बासल सरस्वती मंदिर जहां दर्शन करने का मौका मिलता है, ऐसी पुण्य भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि यादगिरी नरसिम्हा मंदिर का आशीर्वाद जहां मिलता है, वैसी पुण्य भूमि पर मुझे आने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और भगवान का आशीर्वाद मानता हूं। हमारे यहाँ कहा जाता है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और आपके यहाँ कहते हैं कहना कुछ और करना कुछ, उसको आप कहते हैं चेपदी ओकटी चेसदी इनकोटी। कहना कुछ और करना कुछ, मैं कोशिश कर रहा हूँ तेलुगु में आपको इन सब बातों को बताने की। यही सरकार थी ना जिसने कहा था कि अगर तेलंगाना बनेगा तो दलित मुख्यमंत्री होगा। यही सरकार थी ना जिसने कहा था कि अगर तेलंगाना बनेगा तो आदिवासी मुख्यमंत्री होगा। आज क्या है? आज मैं और मेरे बाद मेरा परिवार, बाकी सब जाओ छुट्टी, कोई काम, ये परिवारवाद चल रहा है, इसको हमको समझना चाहिए। इन्होंने कहा था कि हम वादा किया था कि हम हर दो घर देंगे और दो कमरों का मकान, टू बेडरूम। आज वो सारे का सारा धरा का धरा पड़ा हुआ, कोई स्कीम नहीं चल रही। भ्रष्टाचार युक्त सरकार, ऊपर से नीचे तक आकंत भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार। और मित्रों, जो भारत सरकार के एक तो प्रोजेक्ट को लागू नहीं कर रहे और भारत सरकार से जो पैसा आ रहा है वो जमीन पर नहीं लगा रहे हैं, ये इनकी स्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए ऐसी सरकार को हमारे अंग्रेजी में कहा जाता है लॉक स्टॉक एंड बैरल, पूरे लॉक स्टॉक एंड बैरल के साथ इनको चलता करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बने इसकी हमको काम में जुटना चाहिए, इसके लिए हमको काम में जुटना चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम आप सबके सपोर्ट से एक अच्छी मजबूत पार्टी नीचे जमीन पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, सभी लोगों को साथ लेकर। और आप देख रहे होंगे कि तेलुगु देशम से, कांग्रेस पार्टी से लोग, टीडीपी से, टीआरएस से भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वहां घुटन हो रही है, घुटन। घुटन क्यों हो रही है? क्योंकि प्रजातांत्रिक पार्टी ही नहीं है। मेरी सुनो नहीं तो जाओ, मेरी मानो नहीं तो जाओ। आज इन सब चीजों से आपको निजात दिलाने के लिए हम सब लोग मिलकर, चाहे वो टीआरएस में जो लोग थे भारतीय जनता पार्टी में आए, जो टीडीपी के लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए, और जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं राष्ट्रवादी विषयों को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में आए, इस आह्वान के साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि सबको मिलकर लेकर चलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में हम बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की सेवा में पूरे तत्परता के साथ लगेगी और हम तस्वीर और तकदीर तेलंगाना की आप लोगों के माध्यम से बदलेंगे।